तो हाय गाइस, कैसे हो? हाई सब बढ़िया होंगे, ठीक हो? फाइनली गाइस आ चुके हैं मास महाराजा अजय देवगन की मैदान और अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की बड़े भैया छोटे भैया के एक और एपिसोड में वापस। तो गाइस आज बोथ मूवी का डे नंबर वन चल रहा है, आज ईद है भाई। देखेंगे बोथ मूवी कितना बिजनेस है वो करते हुए दिखाई दे रही है। और आज ईद के दिन जो नया दो हिंदी मूवीज रिलीज हुई हैं एंड दोनों के नंबर इंक्लूड करके टोटल ऑफ भाई कितना बिजनेस आ रहा है ईद के दिन, क्या हमें यही उम्मीद थी या फिर इससे कई गुना ज़्यादा है? बट उससे पहले देखेंगे डे नंबर वन में बोथ मूवी ने ओवरसीज में कितना बिजनेस किया है। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बड़े भैया छोटे भैया, गल्फ मार्केट से ऑलमोस्ट 3,40,00,000 का बिजनेस किया है, जो कि नॉर्थ अमेरिका में ओनली 491,00,000। वेरी डिसेंट ओपनिंग, इससे हमें कई गुना भाई ज़्यादा उम्मीद थी, जो कि अच्छे खासे लोकेशन में नॉर्थ अमेरिका में भाई इसको रिलीज जब वो किया गया था एंड ऊपर से गाइस YRF डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था ओवरसीज में, जो कि यूके कंट्रीज में ऑलमोस्ट 55,00,000 का बिजनेस किया है यूके आयरलैंड एंड टोटल ऑफ 5.10 करोड़। 5,10,00,000 का बिजनेस किया ओवरसीज मार्केट्स में बड़े भैया छोटे भैया का। मुंह करें मैदान की ओर, ऑलमोस्ट नॉर्थ अमेरिका से 21,00,000 कंपैरिजन टू लास्ट पिक्चर अजय देवगन की शैतान। कंपैरिजन करोगे दोनों के बीच में तो मैदान वेरी डिसेंट है एंड ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड 8.34 लाख, यूके 8,00,000 एंड गल्फ मार्केट से ऑलमोस्ट 46,00,000 के आसपास बिजनेस आया है, जो कि ऑल ऑफ इंक्लूड करके कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास मैदान ने ओवरसीज में डे नंबर वन में बिजनेस है वो किया है, जो कि गाइस ये एक खराब ओपनिंग है वो रही है। एंड अब तक की बात करें नॉर्थ अमेरिका में हाइएस्ट ओपनिंग लेने वाली मूवीज 24 की बात कर रहे हैं, ओनली फॉर 24 की 2024 नंबर वन पे क्रू है, सेकेंड फाइटर एंड थर्ड गाइज, हाँ थर्ड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया हो गया, फिर गाइज शैतान, नेक्स्ट गाइज योदा एंड छठे पोजीशन पे आती है यहाँ पे बड़े में छोटे में जो कि 10th पोजीशन पे आती है यहाँ पे मैदान। एंड टोटल ऑफ देखा जाए तो गाइज बड़े महंगे छोटे महंगे वेरी डिसेंट ओपनिंग है, ये एक मसालेदार मूवी थी। एंड मैं एक चीज़ आप सभी को और बता दूँ कि जो क्रू ने सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में बिजनेस किया था, क्रू मूवी जो गाइज ये तब्बू कृति थी जिसमें करीना, तो इतना गाइस बड़े भैया छोटे भैया टोटल ऑफ ओवरसीज से बिजनेस किया है, मतलब जितना क्रू ने ऑलमोस्ट 5 करोड़ सिर्फ नॉर्थ अमेरिका से बिजनेस किया था, जो कि बड़े भैया छोटे भैया टोटल ऑफ ओवरसीज से केवल 5,10,00,000 का बिजनेस कर रही है। बाकी आप समझ ही सकते हो कि कितनी खराब ओपनिंग है वो रही है, जो कि मैदान के तो मैंने आपसे को बता ही दिया एंड मैदान ने अपने पेड प्रीव्यूज में ऑलमोस्ट 2,60,00,000 का बिजनेस किया, जो कि अब तक देखा जाए बॉलीवुड का तो ये चौथा हाइएस्ट बिजनेस है पेड प्रीव्यू में। नंबर वन पे चेन्नई एक्सप्रेस 6,75,00,000, नेक्स्ट पद्मावत 4,25,00,000, फिर 3 इडियट्स 2,77,00,000 एंड अभी फोर्थ पे ये आ चुकी है 2,60,00,000 का। तो गाइस ये रहा भाई बोथ मूवी का डे नंबर वन की ऑफिशियली, लगभग ऑफिशियली तो मेकर्स कल ही देंगे अब, मतलब कि जो अभी नंबर्स निकल के सामने आते हुए दिखाई है वो दे रहे हैं बोथ मूवी की ओवरसीज का। एंड मूव करें आज की ओर भाई, डे नंबर वन में इंडिया से कितना बिजनेस है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो गाइस सबसे पहले ओक्वेंसी देख लेते हैं, 2D वर्जन बड़े भैया छोटे भैया, 20% मॉर्निंग, आफ्टरनून 35% एंड इवनिंग की ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, जो कि ये खराब है मेरे भाई। आफ्टरनून के मामले इवनिंग में जो गाइस वो डे नंबर वन में हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद रहती है कि जंप तो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। मैंने अभी एडवांस बुकिंग वाले एपिसोड में डिस्कशन किया था कि इवनिंग में मेरे को बोथ मूवी का जंप है वो नहीं दिख रहा है, तो शायद नंबर जो हम सोच रहे थे उतना नहीं आ पाएगा। एंड 3D वर्जन 23 मॉर्निंग आफ्टरनून की 36, अच्छा खासा हमें जंप देखने को मिला मॉर्निंग टू आफ्टरनून, बट इवनिंग की ओनली फॉर 39, ऑलमोस्ट 50% होनी चाहिए थी, पहला दिन है ईद का जो कि ऐसा नहीं हो पाया। एंड ओवरऑल 33% ऑक्युपेंसी 3D की एंड ओवरऑल 30% यहाँ पे 2D वर्जन की, ईद के दिन होलीडे के दिन ओवरऑल 30% ऑक्युपेंसी 11,000 शोज में, तो ये खराब नंबर है। एंड 10% ऑक्युपेंसी यहाँ पे छोटे में यानी मैदान की मॉर्निंग की 17 आफ्टरनून की, जो कि 17 ही इवनिंग की, आफ्टरनून एंड इवनिंग की ऑक्युपेंसी सिमिलैरिटी नहीं आ सकती वो भी गाइस पहले दिन। एंड ये तो रहा दोनों की ऑक्युपेंसी एंड डे नंबर वन में कितना बिजनेस आ सकते हैं, हम सिटी वाई अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे क्योंकि एपिसोड लंबा हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं बड़े भैया छोटे भैया ऑलमोस्ट 16.50 करोड़ से लेकर 17 करोड़ के आसपास नेट बिजनेस है वो दिख रहा है, 16.50 करोड़ से लेकर ऑलमोस्ट 17 करोड़ के आसपास नेट, मतलब कि 20 करोड़ मेरे को काफ़ी ज़्यादा मुश्किल लग रहा है, 20 करोड़ की ओपनिंग भी नहीं लेने वाली है यहाँ पे बड़े मैया छोटे मैया अपने ईद के दिन अपने होलीडे के दिन। आप सभी को मैं ये बता दूं कि उनकी राम सेतु जो पिक्चर थी 15 करोड़ एंड 25 लाख के आसपास डे नंबर वन में बिजनेस किया था 15.25 करोड़, एक तरफ आप राम सेतु रखोगे
एंड दूसरी तरफ आप बड़े भैया छोटे भैया रखोगे तो राम सेतु मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं है उन बड़े भैया छोटे भैया के आगे। जिस तरह इसमें स्टार कास्ट है, जिस तरह इसका प्रमोशन किया गया था स्पेशली फॉर इंडिया हो, साथ में ओवरसीज क्यों ना हो, जो अक्षय कुमार इसमें मेहनत है मूवी के अंदर उन्होंने मेहनत की है की है, बट जिस तरह उन्होंने यहाँ पे प्रमोशन में मेहनत की है वो राम सेतु का कुछ भी नहीं था। वट एज अ ओपनिंग वेरी डिसेंट है। एंड बात करें यहाँ पे गाइस मैदान की, तो मैदान कहीं ना कहीं 6 करोड़ के आसपास नेट क्वेश्चन गाइस वो करती हुई दिखाई दे रही है अपने पहले दिन ओनली फॉर 6 करोड़, जो कि इससे हमें कई गुना ज़्यादा उम्मीद है। कहीं ना कहीं 10 करोड़ के आसपास तो एटलीस्ट पहले दिन, जो गाइस ऐसा नहीं हो पाएगा, अभी तो ऐसा ही दिख रहा है 6 करोड़ के आसपास। यानी कि मेकर्स कल फिगर दे सकते हैं 2 करोड़ 60 लाख, आप इंक्लूड कर लो ये वाली फिगर यानी कि पेड प्रीव्यू की, तो 8 करोड़ 60 लाख के आसपास टोटल आप बिजनेस है वो आने वाला है पहले दिन मेकर जब ऑफिशियली फिगर देंगे। ओनली फॉर नेट की बात कर रहे हैं, मेकर्स टोटल ऑफ वर्ल्ड वाइड का ऑफिशियली पोस्टर वो छाप सकते हैं, ये अभी देखना दिलचस्प होगा। एंड बड़े में छोटे में ये मैंने आप सबको बता ही दी है, उम्मीद ज़्यादा थी जो बहुत मूवी ऐसा नहीं कर पाई। और ईद के दिन गाइस दोनों का मैं नंबर इंक्लूड करूं सो 16-17 ये हो गया और 6 ये हो गया, मतलब कि 22 से लेकर 23 करोड़ दोनों मूवीज़ के मैं शोज़ इंक्लूड करूं तो ऑलमोस्ट 18,000 के आसपास है। 18,000 शोज़ लेके बोथ मूवी ईद के दिन केवल 23 करोड़ के आसपास बिजनेस कर रही हैं, जो कि ये ख़राब तो है ही है। चलो हो गया सो हो गया, अब देखा जाए। एंड लास्ट पिक्चर गाइस किसी का भाई किसी की जान, जो ईद में आई थी सलमान खान की, जो कि शायद वो प्री रिलीज थी, एंड ईद के दिन ऑलमोस्ट 25 करोड़ 70-75 लाख के आसपास बिजनेस किया था। 25 करोड़ 75 लाख सब कुछ यही बिजनेस था किसी का भाई किसी की जान ईद के दिन। एंड इन दोनों का मैं इंक्लूड करूँ तो भाई किसी का भाई किसी की जान का मेरे ख्याल में थोड़ा ज़्यादा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि वो भी गाइस एक फ्लॉप मूवी ही थी, बट ईद के दिन अच्छा बिजनेस किया था। चलो ये रहा बोथ का, जो कि बजट भाई दोनों का काफ़ी ज़्यादा है, तो और दिस वीकेंड को भाई अच्छा खासा बिजनेस है बोथ मूवी को निकालना होगा। बट आगे की एडवांस बुकिंग की बात करें, जिस तरह मेरे को सिचुएशन दिख रही है, फ्राइडे हो सैटरडे हो संडे हो, तो मुश्किल लग रहा है मेरे को। कम से कम 100 करोड़ पास तो नेट बिजनेस करना ही था यहाँ पे बड़े भैया छोटे भैया को ओनली फर्स्ट वीकेंड में। हम तो बात कर रहे थे 150-180, तो ये तो इम्पॉसिबल है, बट 100 करोड़ भी यहाँ से इम्पॉसिबल ही है अब लगने लगे। चलो अभी देखते हैं, और दिस ईद शायद भाई इन दोनों को ना मिल पाए, दोनों को नहीं बोलूँगा मैं, टाइगर श्रॉफ लास्ट पिक्चर गणपत वेरी अल्ट्रा डिसास्टर मूवी थी, तो शायद उनका भी इस बार भी कम बैक अब होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। चलो अभी ये इतना जल्दी कहना अभी ठीक नहीं होगा, अभी वीकेंड देख लेते हैं, बट सिचुएशन गाइस बोथ की अभी काफ़ी मेरे को ख़राब है वो दिख रही है। लेट्स सी गाइस, अब देखते हैं दूसरा दिन फ्राइडे, तीसरा दिन सैटरडे एंड संडे, ये 3 दिन काफ़ी, 3 दिन में चलो फ्राइडे को फिर भी निकाल देते हैं, सैटरडे संडे ये 2 दिन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो रहने वाले हैं बोथ मूवी के लिए। बाकी डेवाइस एडवांस बुकिंग और डेवाइस क्वेश्चन ऑफ रिपोर्ट्स हो, सब कुछ अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए।